हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अपने फ़ोटो को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जितना एमबी रहता है कहीं सेंड करते हैं तो उतना एमबी जाएगा, तो इससे ही फ़ायदा रहता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कैम स्कैनर। तो चलिए मैं प्ले स्टोर में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सर्च करेंगे कैम स्कैनर, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। जैसे कि देखिए मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए मैं बैक जाता हूँ, देन इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए सीएस इसका लोगो है, देन इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर खुल चुका है। देन आपको आप फोटो गैलरी में तो 3 डॉट पे जाएंगे, देन इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा। देन मुझे इस वाले फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इंपोर्ट देखेंगे, ऊपर लिखा है इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए इतना फ़ोटो आ चुका है, इसको फुल कर देंगे। देन नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए तो मैं अपना ही जो पहले का कलर है उस वही रहने देता हूँ। देन नीचे सेव है, सेव पे क्लिक करेंगे। देन इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 डॉट के बगल में शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन नीचे देखिए पीडीएफ है, आपको जेपीजी में करना है वो भी हो सकता है, लॉन्ग इमेज है, जिस तरह आप चाहते हैं, डॉक्यूमेंट लिंक तरह भी हो सकता है। मैं पीडीएफ बनाना चाहता हूँ तो पीडीएफ पे क्लिक करूँगा। जैसे कि देखिए मेरा पीडीएफ बन चुका है। अगर मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ तो पीडीएफ में ही जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ऊपर शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप जैसा कि देखिए पीडीएफ में जाएगा, जितना एमबी का है उतने एमबी में जाएगा, इसे इसका रेजोल्यूशन कम नहीं होता है। देन इसे जो अगला बंदा खोलेगा तो इस पर क्लिक करेगा, तो कुछ समय वेट लेगा। उसके बाद पूछेगा आपको किससे आप खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर है सेव टू कैम स्कैनर पे क्लिक करेंगे। ऑलवेज अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।